हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का ये जो मेरा वीडियो है कौन से टॉपिक पे होने वाला है। और हमेशा मैं अपने वीडियो का स्टार्ट करता हूँ किसी लग्जेरियस होटल से, किसी फाइव स्टार होटल से, लेकिन आज का ये जो होटल है ना, बहुत ही स्पेशल होटल है। पहले होटल देख लो, ये जो होटल है होटल सोनार बांग्ला टाकी। ये वाला जो पार्ट है जहाँ भी मैं खड़ा हूँ ये है इंडिया, और ये जो पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ये है बांग्लादेश। मैं फर्स्ट टाइम किसी एक ऐसे होटल में स्टे करने वाला हूँ जहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर इतना करीब है। मैंने इस वीडियो को लेट से स्टार्ट कर दिया क्या? अरे हाँ, मैं तो एंट्री वगैरह कुछ दिखाया ही नहीं कि यहाँ आप आओगे कैसे। अरे यार, आने से याद आया, आने वाला चीज को तो मैं ना ही याद करूँ तो चलेगा? इतना घटिया रोड मैंने लाइफ में इससे घटिया रोड कभी नहीं देखा, मतलब यहाँ पहुंचने के लिए। By the way, जिस जगह में ये होटल बना है ना, ये जो जगह है इसका नाम है टाकी। ये टाकी बांग्लादेश बॉर्डर है। जब हम लोग आ रहे थे तो बीच में हम लोगों ने एक लंच ब्रेक भी लिया था, लेकिन यार इतना मूड खराब था ना रोड को देखकर, हालत पूरा खस्ता हुआ पड़ा था। अब बिलीव करोगे, 80 किलोमीटर के लिए 5 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ पहुंचने में, कोलकाता से यहाँ पहुंचने में। आप आइडिया लगा लो कितना घटिया रोड हुआ होगा। और अभी हम लोग दूसरे रूट से जाएंगे, अगर वो अच्छा रूट हुआ तो वो रूट मैं रिकमेंड कर दूंगा आप लोग को। यहाँ दिख रहा होगा, हाँ ट्राई करना वो रूट। रुकावट के लिए खेद है, अभी हम लोग होटल से घर जा रहे हैं। आते वक्त जो हम लोगों ने रूट लिया था ना, वो रूट से नहीं, ये जो रूट है बसंती हाईवे वाला रूट है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप आते हो ना तो इसी रूट से आना, ये सीधे निकल जाएगा साइंस सिटी। बस मालांचा में थोड़ा सा पैच खराब मिलेगा, अदरवाइज ये जो रोड है मक्खन है। चलो अब इस वीडियो को टाकी से कंटिन्यू करते हैं। फिर जैसे तैसे करके हम लोग होटल में पहुंच गए, और होटल जो है सेफ्टी एंड हाइजीन काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। गेट के बाहर ही हम लोग का जो लगेज है पूरे अच्छे तरीके से सैनिटाइज हुआ, फिर हम लोगों ने अपने हाथों को सैनिटाइज किया, फिर उसके बाद हम लोगों का टेम्परेचर चेक किया गया, उसके बाद हम लोग इनके लॉबी में आ गए। रिसेप्शन में मैंने अपना बुकिंग के बारे में बताया और आईडी कार्ड दिखाया और एक फॉर्म फिलअप करवाया गया। वो फिलअप करने के बाद आ गए हम लोग अपने ब्यूटीफुल से इस कमरे में। ये कमरे से कमाल का व्यू दिख रहा है देखो। अब चलो मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देता हूँ, रूम कैसा है वो दिखाता हूँ। तो ये होटल सोनार बांग्ला का प्रीमियम रूम है, मतलब इस पूरे होटल का ये सबसे बेस्ट कैटेगरी का रूम है। ये राइट साइड में दिख जाएगा इनका वॉशरूम, ये इनका शावर एरिया। बाकी यहाँ पे ये सारे इनके टॉयलेटरीज, यहाँ पे हैंड वॉश है, कॉम, मॉर्निंग किट, सेविंग किट, बाकी यहाँ पे शावर जेल एंड शैम्पू। चलो अब रूम की तरफ चलता हूँ मैं। रूम के अंदर थोड़ा अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड में ये मिनी फ्रिज मिल जाएगा, जिसके अंदर कुछ नहीं है, अब तो इसका आदत हो गया है मुझे, और इधर भी कुछ नहीं है। एंड ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफी बनाने के लिए है, साथ में 2 पानी का बोतल, और यहाँ पे एक हैंड सैनिटाइजर भी मिला हुआ है। तो ओवरऑल ये देख लो रूम, और ये रूम खास क्यों है वेट मैं बताता हूँ। ये देखो, इसलिए खास है, ये इंडिया का बोट है, और वो जो एरिया आप देख रहे हो ना वो पूरा बांग्लादेश है। यहाँ से भी आपको सेम व्यू मिलता है, ये देख लो। अब बताओ ये रूम कैसा लग रहा है ना, काफी कमाल का व्यू, और सामने ही इनका पूल भी है। और ये इनका वार्डरोब में हैंगर है, और यहाँ पे लॉकर, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, लॉन्ड्री रेट वगैरह कुछ ऐसा है नहीं आयरन वगैरह करने के लिए। बाकी ये सब रिमोट, इधर भी ड्रॉयर में कुछ है नहीं, और यहाँ पे USB पोर्ट भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे इंटरकॉम और ये AC रिमोट। बेड भी इनका काफी सही लग रहा है, और इनका जो टाल है, टाल में देखो होटल सोनार बांग्ला का पूरा ब्रांडिंग किया हुआ है बड़ा बड़ा। ओवरऑल देख लो ये रूम है, काफी सही लग रहा है मेरे को ये रूम। होटल सोनार बांग्ला का फूड मेन्यू, तो ब्रेकफास्ट में देख लो काफी सारे ऑप्शन है, और रेट मैं देख पा रहा हूँ, रेट मुझे ठीक ठाक सही लग रहा है। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा कि अंदर का खाना कैसा है, और यहाँ तो मुझे लगता है अंदर ही खाना होगा, आसपास ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है जो मैं बाहर जाके खाऊं। और यहाँ पे देखो झूला लगा हुआ है जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनका सुपर डिलक्स रूम। अभी जो मैं आप लोगों को रूम दिखाऊंगा वो भी कमाल का रूम है, लेकिन इससे थोड़ा कम प्राइस है उसका। चलो दिखाता हूँ मैं। ये जो है 407 नंबर रूम, और मेरा जो है 408 है। मैं और मम्मी 408 में हूँ, और 408 जो है इनका प्रीमियम रूम है, और ये 407 डिलक्स, दोनों साथ में ही है। तो ये देख लो ये इनका सुपर डिलक्स रूम है। एंड मैं बता दूं, इस सुपर डिलक्स रूम में और प्रीमियम रूम में ज्यादा फर्क है नहीं, बस मेरे प्रीमियम वाले रूम में इस साइड भी एक बड़ा सा विंडो बना हुआ है जहाँ से कमाल का व्यू दिखता है, मतलब सारे पैसे व्यू के है। और यहाँ से भी कुछ आपको खराब व्यू नहीं मिलता है, यहाँ भी आपको एक अपना बालकोनी मिल जाएगा जहाँ पे आप बैठ के चिल मार सकते हो, पास में पूल। और ये तो फूड मेन्यू मैंने आप लोगों को दिखाया ही, बाकी यहाँ भी देख लो आपको कॉम्प्लीमेंट्री चाय वगैरह बनाने के लिए मिल जाएगा, साथ में पानी का बोतल,
एक सैनिटाइजर एंड नीचे मिनी फ्रिज और ये इधर का वॉशरूम। और वॉशरूम में भी देख लो ये सारे इनके टॉयलेटरीज, इधर भी ये इनका शावर एरिया। चलो बाकी का बात अपने रूम में जाके करता हूँ मैं। इतना भयानक मैं थका हुआ था ना, रूम टूर जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं नहाने गया और नहा के मैं एकदम सो गया। अभी जैसे ही मैं सो के उठा बाहर का वेदर काफी अच्छा लग रहा था तो सोच रहा हूँ इस पूल में जाऊँ। चलो एक ही बार इस वीडियो को उस पूल के पास पहुंचकर कंटिन्यू करते हैं। ये नजारे है यहाँ के और मैं अज्यूम कर रहा हूँ रात में और भी खूबसूरत लगेगा ये। और वो वाला मेरा रूम है देखो, जो चेयर लगा हुआ है ना एक, वो मेरा रूम है। तो फाइनली मैं इनके पूल एरिया पे पहुंच गया हूँ। तो ये इनका पूल है देख लो, ये पूल, पास में ये इच्छामती रिवर, सामने बांग्लादेश, ये इंडिया एंड ये मेरा रूम। पूल के सामने लाकर मैं यहाँ पे कुछ खा नहीं सकता, नहीं तो कुछ खाकर भी दिखाता है यहाँ पे। वैसे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठकर। वैसे तो मैं बीच बीच में हमेशा ही निकलते रहता हूँ घूमने के लिए, पहली बार किसी बॉर्डर के इतने करीब आकर ऐसे चिल कर रहा हूँ, नहीं तो बॉर्डर वाला जो माहौल होता है आप भी जानते हो कैसा रहता है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम इज मैंडेटरी फॉर यूजिंग द पूल, तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के ही आना होगा, आप जैसे तैसे कपड़े में नहीं जा सकते अंदर। तो अभी हम लोग जस्ट नीचे से अपने रूम में आए और रूम के अंदर आके मैंने देखा ये जो बाहर का नजारा है ना, क्या सही लग रहा है। पता नहीं मेरा कैमरा इसको कितने अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है, लेकिन जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ ना बहुत ही सही लग रहा है। मतलब ये बेड है, यहाँ पे मैं लेट के हूँ और मुझे ये नजारा दिख रहा है। तो अभी मैं रूम में आके वापस से एक बार शावर लिया और अभी मैं अपना फोन चेक किया, ये वाला जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेरे फोन में जो नेटवर्क आ रहा है रोबी एक्सी आटा, ये जो है बांग्लादेश का नेटवर्क है। मतलब मेरे फोन में अभी बांग्लादेश का नेटवर्क आ रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ये सही है ना, मैं इंडिया में हूँ और नेटवर्क मुझे बांग्लादेश का आ रहा है। तो अभी रात में ये जो होटल है कुछ ऐसा दिख रहा है और अभी ज्यादा लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हैं इसलिए सारे रूम में लाइट्स वगैरह ऑन नहीं है। जैसे अभी मैं उस रूम में रह रहा हूँ तो अभी मैं नीचे आ गया तो लाइट ऑफ हो गया है। थोड़ा और लाइटिंग रहता ना तो और भी अच्छा लगता, वैसे ये काफी अच्छा लग रहा है ना। ये इस होटल का गेमिंग रूम है, ये देख लो। अगर आप अपने साथ किसी बच्चे को लेकर आ रहे हो ना तो उसको काफी मजा आने वाला है इधर, ये देख लो। बाकी यहाँ पे कैरम, टेबल टेनिस, काफी कुछ है यहाँ पे खेलने के लिए। तो अभी रूम में मैंने शाम का स्नैक्स ऑर्डर किया है, फिश फिंगर और कॉफी ऑर्डर किया है और साथ में चिकन पकौड़ा भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो आने में अभी 10-15 मिनट टाइम है, तो वो जब आएगा तो दिखाऊंगा। पहले इस फिश फिंगर को टेस्ट कर लेता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। और साथ में देखो यहाँ पे मेयोनीस आया हुआ है, भाई कसुंदी किधर है, फिश फिंगर मेयोनीस के साथ कौन खाता है। वैसे देखता हूँ ये फिश फिंगर है कैसा। बढ़िया, बस कसुंदी होता ना तो और भी कमाल का लगता है ये। तो ये अब आ चुका है मेरा चिकन पकौड़ा, जो फिश पकौड़ा था उसको तो मैंने कंप्लीट कर लिया। चिकन पकौड़ा देखकर तो काफी अच्छा लग रहा है और साथ में केचप भी आया हुआ है, साइज भी ठीक है, टोटल 6 पीस है। चलो अब इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कैसा है ये। ये जो चिकन पकौड़ा है ना वैसे टेस्ट तो इसका काफी अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा च्यू करना पड़ रहा है, वैसे टेस्ट इसका काफी अच्छा आ रहा है और केचप के साथ अच्छा लग रहा है। मम्मी अंदर टीवी देख रही है और मैं ऐसे ही बालकोनी में बैठा हुआ था। यहाँ पे शांति बहुत है बॉस, मतलब बहुत ही शांति है यहाँ पे। लाइक आपको थोड़ा रिलैक्स होना है ना या फिर डेली लाइफ से आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। चलो अंदर जाके थोड़ा अपने लिए डिनर वगैरह ऑर्डर कर दूं, देखो क्या क्या है इनके पास क्या नहीं है। जो भी मैं डिनर ऑर्डर करूंगा जब आ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने डिनर ऑर्डर कर दिया है। वैसे मैं बता दूं आज मैंने ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि जब मैं यहाँ पहुंचा ना काफी ज्यादा थक गया था और वो थकान अभी तक नहीं गया है। आपको मेरे आंखों से भी पता चल रहा होगा काफी थका हुआ हूँ मैं, मुझे प्रॉपर 7-8 घंटे का नींद चाहिए तभी थोड़ा एक्टिव हो पाऊंगा। वैसे डिनर तो इनका ऑर्डर कर दिया है, देखो जब आता है तो दिखाता हूँ, होप कि इनका डिनर अच्छा हो। अभी मैं अपने डिनर का वेट कर रहा था अपने बालकोनी में खड़े होकर और मुझे यहाँ पे मून दिखा, और मैं बता रहा हूँ ना मेरा कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है, इतना प्यारा लग रहा है मून, जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना पानी में, कमाल। और वैसे बता दो ये जो है ये इस होटल का पार्किंग है, तो आप अगर कार बाइक लाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये फाइनली मेरा डिनर आ चुका है, तो वेट में दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सभी के ऊपर अभी रैप चढ़ा हुआ है तो सबको पहले हटाता हूँ मैं। तो ये देख लो मैंने डिनर के लिए ये सब मंगवाया है, ये फ्राइड राइस, चिली गार्लिक फिश, मटन रोगन जोश, राइस, आलू क्रिस्पी भाजा, आलू पोस्तो, चपाती, अनियन सलाड और साथ में ये दाल तड़का। तो ओवरऑल मेरा यही होने वाला है डिनर, तो इन सबको मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ इनका खाना कैसा है और इन सब में से इनका सबसे बेस्ट आइटम कौन सा है।
तो ये देखो जो मैं खाऊंगा उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन में मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। फ्राइड राइस, चिली गार्लिक फेस, आलू क्रिस्पी भाजा, आलू पोस्तो, रोटी एंड अनियन। तो ओवरऑल यही होने वाला है मेरा आज का डिनर। स्टार्टिंग में रोटी से करता हूँ और हाँ मैं IPL भी देख रहा हूँ पीछे। रोटी आलू पोस्तो के साथ, आलू पोस्ट तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये रोटी थोड़ा ठंडा हो गया है ना। आलू क्रिस्पी भाजा, अब देखता हूँ ये मिक्स फ्राइड राइस और ये चिल्ली गार्लिक फेस ये कैसा लगता है। अब एक बार इस फिश को ट्राई करता हूँ। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा अगर आप जब भी इधर आते हो आपको फ्राइड राइस खाना पसंद है तो इनका ये मिक्स फ्राइड राइस और साथ में ये चिली गार्लिक फेस ये जरूर लेना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका। चलो अब इन सबको जल्दी से खत्म करता हूँ, उसके बाद जो भी होता है मैं बाकी का बात बाद में करता हूँ। मुझे ये फ्राइड राइस एंड चिली गार्लिक फेस ये मुझे लग रहा है कि अगर आप एक एक करके ऑर्डर करते हो और अगर आप दो लोग हो तो दो लोग आराम से इसको शेयर करके खा सकते हैं। क्वांटिटी मैं बोलूंगा इनका अच्छा है। ऑलराइट, तो डिनर कर लिया है मैंने कंप्लीट और ओवरऑल अगर मैं इनके खाने की बात करूँ ना तो खाना इनका काफी अच्छा था। चलो अब टाइम हो गया सोने का और मुझे काफी जोड़ों का नींद आ रहा है। वैसे मन तो था बाहर जाके थोड़ा सा वॉक करूं लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ही मैं बालकोनी में गया देखा बहुत सारा लाइट बंद हो चुका है, काफी अंधेरा अंधेरा लग रहा था बाहर। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे अब नींद आ रहा है, जा रहा हूँ सोने के लिए। जो भी बाकी का अपडेट होगा वो मैं आप लोगों को सुबह देता हूँ। चलो बाय, गुड नाइट। अभी जस्ट मैं सो के उठा और अभी बज रहा है सुबह का 5। यहां से कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है। अभी मैंने क्या ब्यूटीफुल सनराइज देखा और ना जाने कितने सालों बाद मैंने ऐसा सनराइज देखा है। क्या ब्यूटीफुल नजारा है यार। अभी फिलहाल फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करने जाऊंगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा। फ्रेश होने से पहले एक कप चाय पी लेता हूँ। चाय बनाने वाला प्रोसेस मैं नहीं दिखाया क्योंकि चाय आज मम्मी ने बनाया है। भाई सुबह सुबह ऐसे चाय मिल जाए वो भी इस नज़ारे के साथ तो क्या ही कहने। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप अपने साथ किसी ड्राइवर को ला रहे हो, कोई कार बुक करके आए हो, ऑब्वियसली ड्राइवर का तो रहना ही होगा, तो इनके पास यहाँ दो ऑप्शन है, एक 500 रुपए का एक 1500 रुपए का। 1500 रुपए वाला जो है ये लोग यहीं पे इस होटल में ही कहीं उसको रूम देंगे और साथ में 3 टाइम का खाना भी। और एक 500 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो होटल के बाहर कहीं रूम है और वहाँ पे खाना वगैरह इंक्लूड नहीं है। वैसे जो हम लोगों का ड्राइवर है इस होटल में ही रुका हुआ है, बाकी ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा आप लोगों को। फिलहाल अभी चाय एंजॉय करता हूँ। देखो अभी ये जो बोट जा रहा है ना ये बांग्लादेश का बोट है, पीछे फ्लैग लगा हुआ है बांग्लादेश का। होप कि अभी आप लोगों को फ्लैग दिख रहा हो कितने करीब से जा रहा है ये बांग्लादेश का बोट। एंड मैं जिस बोट राइड की बात कर रहा था देख लो यही वो बोट है, आप इसमें राइड ले सकते हो। 1500 रुपए में आपको ये बोट बुक करना पड़ेगा आप जितने भी फैमिली मेंबर हो। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश होके आया, बाहर का वेदर देखो लग रहा है बारिश आने वाला है खतरनाक। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गया हूँ और इनका जो ब्रेकफास्ट एरिया है वो फर्स्ट फ्लोर में है। तो अभी मैं इनके रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, वहाँ पे लगा हुआ है ब्रेकफास्ट बूफे, दिखाता हूँ क्या क्या है। वैसे सबसे पहले ये फ्रेश कट फ्रूट, ये आलू दम एंड लूची, एंड ये पोंगल, बॉइल्ड एग है और मसाला ऑमलेट, ब्रेड बटर पुडिंग, टी एंड कॉफी का भी ऑप्शन है और ब्रेड टोस्ट भी आ रहा है। ओवरऑल काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे देख लो। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए ये सब लिया है, ब्रेड टोस्ट विद बटर, यहाँ पे जैम, कट फ्रूट्स, ब्रेड बटर पुडिंग। ये जो इनका ब्रेड बटर पुडिंग है ना ये बहुत ही सही लग रहा है मुझे। एंड वहाँ पे मम्मी पूड़ी एंड आलू दम ट्राई कर रही है और मम्मी को इनका पूड़ी आलू दम भी काफी अच्छा लग रहा है। अभी मैं वापस से यहाँ पे लेके आ गया हूँ ये पोंगल, लूची, आलू दम, ऑमलेट, पूरी सब्जी इनका वाकई बहुत ही अच्छा है। अब देखो इनका पोंगल कैसा है। ओ भाई साहब पोंगल इनका बहुत ही कमाल का बना हुआ है। मम्मी इनका पोंगल ट्राई करो बहुत ही अच्छा है। ये सब कंप्लीट करके मैं बाकी का बात करता हूँ। ये जो ई रिक्शा सब लगा हुआ है ना इसको आप लोग साइट सीइंग के लिए बुक कर सकते हो। तो ये इनका गेमिंग रूम है और ये जो देख रहे हो ये इनका जिम है। जिम अभी जिम बंद है क्या? चालू है। जिम चालू है अभी, अगर आप आते हो तो जिम का यूज कर सकते हो।
तो मैं आ गया ब्रेकफास्ट करके, और ब्रेकफास्ट इनका यार बहुत ही सही था। और जो मैंने ब्रेकफास्ट किया ना वो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब जब आप रूम बुक करोगे ना तो उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुफे भी मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो पीछे मेरे बोट रखा हुआ है ना, ये बोट राइड लेने का मुझे बहुत मन था, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैं इस बोट को बुक करने गया और रिसेप्शन में पूछा कि मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करना अलाउ तो होगा ना, उन्होंने कहा कि हम तो अलाउ कर देंगे लेकिन आप जहां जाओगे वो LOC एरिया है और वहां पे रिकॉर्डिंग वगैरह करना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप ना ही करें तो अच्छा है। वैसे आप इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए बुक कर सकते हो, ये बोट बुक करने में 1500 रुपए लगता है। चलो फटाफट सामान समेटते हैं और बाकी का जो भी डिटेल्स वगैरह होता है मैं आपको देता हूँ। ऑलराइट, तो पैकिंग वगैरह हो गया है, डन। होप कि आप लोगों को इस होटल का लोकेशन एंड ये होटल का टूर अच्छा लगा हो। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने इस रूम के लिए कितना पे किया है। अभी मैं जिस रूम में रह रहा हूँ इसका जो रेट है 6.5 से 7 हजार रुपए है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में आ रहे हो। लाइक मैं तो अभी एकदम ऑफ सीजन में आया हूँ, इसलिए मुझे ये रूम काफी सस्ते में पड़ा है। यहाँ काफी शोर हो रहा है, अंदर जाके बात करते हैं। पानी अभी क्या हो गया ना, पानी बहुत कम हो गया है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बालू होता है ना उसे उठा रहे हैं। तो चलो अंदर जाके बात करते हैं, काफी शोर हो रहा है इधर। मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, जब भी आप इधर आते हो ना तो आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट में ना जाओ, आप ट्राई करना आप डायरेक्टली होटल में कॉल करके अपने रूम को बुक करने का, और ट्राई करना थोड़ा रिक्वेस्ट करने का कि थोड़ा बहुत लाइक डिस्काउंट वगैरह देने के लिए, आपको हो सकता है अच्छे रेट में अच्छा रूम मिल जाए। वैसे इनका जो डीलक्स रूम है और प्रीमियम रूम है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये जो एक्स्ट्रा एक विंडो मिल जाता है ना, बस इसका एक फर्क है। बस एक चीज दिमाग में रखना कि एकदम ग्राउंड फ्लोर वाला जो रूम है वो ना लेना, क्योंकि वहां से आपको बस गार्डन का ही व्यू मिलेगा। अगर आपको गार्डन व्यू पसंद है तो ले सकते हो। और जो इनका सुपर डिलक्स रूम है वो आपको 4000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, और जो मैंने प्रीमियम रूम बताया 6.5 से 7 हजार वो भी आपको इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट ही मिलेगा। ये देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास से ही बांग्लादेश का एक बोट जा रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो उस पर बांग्लादेश का फ्लैग भी लगा हुआ है। मैं बांग्लादेश तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन एक चीज आइडिया लग गया कि वहाँ के लोग काफी स्वीट है, क्योंकि अभी मैं काफी सारे बोट को देखा और जितने लोग भी जा रहे हैं ना सभी को ऐसे वेव कर रहा हूँ, तो वहां से रिप्लाई भी फटाक से आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आते हो तो फूड पे क्या खर्चा होने वाला है, तो खाने पे मैं बता दूं जैसे एक नॉर्मल रेस्टोरेंट का प्राइस होता है उसी हिसाब का मुझे यहाँ का प्राइस लगा। हम लोग यहाँ टोटल 4 लोग है और एक बच्चा भी है, मतलब टोटल 5 लोग है। यहाँ हम लोगों ने शाम का स्नैक्स और रात में डिनर ही किया, ब्रेकफास्ट तो वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री था। तो हम 5 लोगों का जो खाने पे आया है वो 1700-1600 रुपए के आसपास आया है, जो कि मुझे काफी हद तक रिजनेबल लगा। अगर आप सबको मिलके अगर पैसा दे रहे हो तब तो आपको काफी कम में हो जाएगा। बाकी इस होटल का जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जाके चेकआउट कर लेना। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और ट्राई करूंगा बीच बीच में ऐसे ही आप लोगों को थोड़ा यूनिक होटल सब दिखाते रहूं। तो अभी देखो इंडिया का एक बोट जा रहा है और इंडिया के बोट के ठीक पीछे बांग्लादेश का एक बोट है। देखो कमेंट में जरूर बताना कि ये लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा, मुझे बहुत ही सही लगा ये लोकेशन। चलो अब टाइम हो गया घर जाने का, पैकिंग वगैरह तो हो गया है, डन। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो फटाफट निकलते हैं।